उत्तराखंड के हल्द्वानी से हैरतअंगेज करने वाला मामला सामने आया है, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर एक ज्वेलर से व्हाट्सएप पर फिरौती मांगी गई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए फिरौती मांगने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हल्द्वानी के पटेल चौक स्थित सुरेश संस ज्वेलर्स के मालिक अंकुर अग्रवाल से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर फिरौती मांगी गई थी, जिस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी को पंजाब पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पकड़े गए आरोपी देवेंद्र जाटव उर्फ रॉकी और नागेंद्र चौहान है, जिसमें रॉकी दिल्ली और नागेंद्र हल्द्वानी का रहने वाला है, जबकि पंजाब के रहने वाले सोनू तिवारी को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी ने व्हाट्सएप के माध्यम से ज्वेलर अंकुर अग्रवाल से 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। मामले की जांच के बाद इसके तार दिल्ली और पंजाब गैंग से जुड़े, जहां पंजाब के रहने वाले सोनू तिवारी ने खुद को सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा बताते हुए व्हाट्सएप पर रंगदारी मांगी थी। सोनू तिवारी को पंजाब पुलिस ने 3 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं अब पुलिस इन तीनों का लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ कनेक्शन तलाशने में जुट गई है। मेरे पास जो मैसेज आया था, उस मैसेज में जिसने मुझे मैसेज भेजा था, उसने मुझे सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा बताते हुए कॉल मतलब मैसेज करा था, और उसने मुझसे अमाउंट मांगा था, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। तो इस मैटर को मैंने पुलिस के संज्ञान में डाल दिया था, जिस पर पुलिस प्रशासन ने बहुत ही मतलब त्वरित कार्रवाई करते हुए आज इस मैटर को सॉल्व कर दिया है। मतलब मुझे भी ये चीज़ अभी आपके चैनल के माध्यम से पता चली है कि पुलिस ने यह चीज़ प्रेस रिलीज करके बता दिया है कि ये केस उनका सॉल्व हो गया है। तो इस सब चीज़ के लिए मैं पुलिस प्रशासन को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। उन तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन लोग डर के पीछे हट जाते हैं, और इन लोगों का धंधा ही डर पर चलता है। कानून तो बहुत सारे हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से, कानून की तरफ से बहुत कानून है, लेकिन कमजोरी उसकी होती है जिसके पास ये मैसेज आते हैं या जैसी धमकियाँ आते हैं, वो डर के एक बार इनको देना शुरू करते हैं और फिर ये एक बार 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 में बन जाता है। कनेक्शन है लॉरेंस बिश्नोई से भी? देखिए, अभी तक दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, सोनू एक नरेंद्र जाटव है और दूसरा यहाँ पे नागेंद्र चौहान है, जो कि हल्द्वानी का रहने वाला है। मेन ये हुई थी घटना कि सुरेश एंड संस ज्वेलर्स हैं, अंकुर अग्रवाल जी को एक धमकी भरा मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, जिसमें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर उनसे 1 लाख की फिरौती मांगी जाती है, न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। पुलिस द्वारा तत्काल इस पर एक FIR हुई, हमारी टीम्स रवाना हुई। हमारी टीम ने वर्क किया तो इसका लोकेशन मोहाली पंजाब में आया। हमारी टीम जब तक वहाँ पहुँची तब तक डेराबसी थाने में ये ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका था। पुलिस ने थाने में जाकर इससे पूछताछ की तो पता लगा कि एक नरेंद्र जाटव नाम का कोई है, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू इनके कांटेक्ट में आया था। वो भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक्सटॉर्शन के केस कर चुका है, ऐसे वारदातें कर चुका है, तो उसको भी हमने पुलिस ने सर्च किया, और उसने सर्च में जब उसको पुलिस टीम द्वारा पता लगा कि कोई यहाँ पर नागेंद्र चौहान है, जो लोकल है, जिसने इस सुरेश चौहान सुरेश एंड सन्स ज्वेलर के बारे में सूचना दी थी, वो एक्सटॉर्शन की रकम वसूलने के लिए इससे मिलने आ रहा है। पुलिस टीम ने अपना जाल बिछाया और इन दोनों को अरेस्ट किया।